तो ये रहा हम आज फाइनल मैं में आप आप। लोग के साथ मोदक रेसिपी शेयर करूंगी जो गणेश फेस्टिवल में बनाते हैं, और उसी के उस पर मैंने बनाया है ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए मैं कट कर कर बता रही हूँ, उसकी स्टफिंग जो क्रीम से ओरियो बिस्किट और क्रीम से उसकी जो क्रीम होती है ना, उसी से मैंने बनाया है इसे। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो ये देखिए मैंने जो टू टाइप क्रीम यूज़ की है उसमें, एक चॉकलेट फ्लेवर की एक वाइट चॉकलेट फ्लेवर की। तो उसी के उस पर मैंने ये दो रेसिपीज़ बनाई हैं, दो टाइप टू टाइप मोदक बनाए हैं, सॉरी रेसिपी नहीं। अच्छा तो ये देखिए इस तरह से कट कर कर मैंने देखा है, चेक किया है और टेस्ट में भी ज़बरदस्त। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। उम्मीद आप सब करती हूँ आप खैरियत से सब होंगे, खैरियत अल्लाह से ताला होंगे। हम अल्लाह ताला सबको हम अपने सबको अपने हिफ्ज़ हिफ्ज़ अमान अमान में में रखे, रखे, आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन। आमीन। अभी जो जो आज है मैं मैं आप लोग आपको के साथ साथ शेयर शेयर करने करने वाली वाली हूँ हूँ ओरियो ओरियो मोदक मोदक रेसिपी, रेसिपी जो जो गणेश गणेश फेस्टिवल फेस्टिवल में में बनती बनती है। है। गणपति गणपति फेस्टिवल फेस्टिवल आ आ रहा रहा है, है, उसके उसके लिए लिए स्टेप मैं बाय स्टेप मोदक आपको बना रही हूँ। रेसिपी ओरियो बताऊँगी किस तरह से रेडी करना है। ओरियो ये के साथ मोदक ओरियो मोल्ड है बिस्किट के साथ, जो आप मैंने चाहे कोई भी बिस्किट ले ऑनलाइन सकते हो परचेस मिल्क किया था। क्रीम के साथ। तो इस तरह मैं से इसका आप लोग के साथ एल्युमिनियम का है मोदक ये इस तरह से ओपन ओरियो होता बिस्किट है, शेयर करूंगी। ठीक है। चलिए इसकी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और ओरियो अब मैंने हम एक पैकेट इसमें खोल चुकी हूँ, मैं क्रीम अभी बिस्किट और दो पैकेट्स लेंगे हम 10 रुपीस पैकेट्स वाले, खोल फ्री लूंगी। पैकेट्स अच्छा है ये, मैंने एक खोल कर रखे ये हैं, मैंने उसमें 10 रुपीस क्रीम वाले जो है फ्री ना पैकेट्स लिए हैं दो वाइट आए हैं और एक और चॉकलेट मेल्टेड फ्लेवर बटर आई है। है, तो मैंने उसे क्रीम अलग कर बटर लिया जितना है। लगा मैं वो आपको और उसी बता के दे साथ ये दूंगी वाइट साथ भी के हम साथ। अलग कर लेंगे इसी तरह से, सारी क्रीम अलग कर लेंगे। और ये इस क्रीम अलग करने के और बाद हम ना इसमें बिस्किट्स साथ जो है में ना हम मिल्क जार पाउडर ऐड में करेंगे, रख लेंगे, जार अमूल मिल्क इसी पाउडर तरह या से आप कोई भी पूरी मिल्क क्रीम पाउडर अलग ले कर ले। सकते हैं। बॉल उसका डिश जो है ना वाइट होने से क्रीम अंदर की नहीं लग दिख रही, इसमें मैंने भी अभी देखा है इसे वॉइस ओवर करते हुए। सॉरी तू इसके लिए इसको इग्नोर करे प्लीज़। इस तरह से सारा क्रीम हटा ले। मैंने और एक वाला तो इसी और एक जो तरह से हटाया हम वो सारी चॉकलेट क्रीम्स था, तो मैं अलग उसका कर क्रीम लेंगे नहीं यूज़ बिस्किट करूँगी, से। सिर्फ बिस्किट्स यूज़ करूँगी। एक पैकेट में 5 बिस्किट्स आई है, 15 बिस्किट का ओरियो बन रहा है। 15 बिस्किट्स के ओरियो ओरियो 15 बिस्किट्स है ये, तो 15 बिस्किट्स के 5 मोदक्स बने हैं ये इस तरह तो से। इस तरह तो से अभी मैंने हमने सारा सारी क्रीम इस क्रीम तरह से अलग कर इसमें ली अलग है। कर अब लिया। इसमें हम अब अब हम मिल्क इसमें अमूल पाउडर मिल्क पाउडर यूज़ यूज़ करेंगे। मैं करेंगे। अमूल मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच। और आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर कोई और दूसरा फ्लेवर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप लोग। मिल्क पाउडर तो मैंने तो यहाँ अमूल मिल्क पाउडर यूज़ किया है 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच। और मेल्टेड बटर है जो बिस्किट ग्राइंड तीन करने के चम्मच बाद में मिल्क हम पाउडर उसमें यूज़ यूज़ करना करेंगे। है। अब हम इसे मिक्स कर कर साइड में रख आप देंगे, इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं इसे इस इसमें। तरह से मिक्स करें स्पून से। इसको इस तरह से मिक्स करने मैश के करते बाद हुए में अब मिक्स हम कर इसे ले दोनों को। इसी तरह पूरा मिक्स करें, पाउडर और क्रीम दो एक हो जाए। इस तरह से और हाथ फिर से उसके मिक्स बाद कर ले। हैंड्स से मिक्स कर ले स्पून हटाकर, और अच्छे मिक्स हो जाएगा हाथ से। और अब हम इसे मिक्स कर चुके हैं, इसे साइड में कर देंगे। इसे हम साइड में कर देंगे। और ये जो बिस्किट्स हैं हम अब इसे हम ये मिक्सी में जार में डालकर बिस्किट्स इसे मिक्स जार में पाउडर जो बनाकर डाले थे लेकर वो आती सिर्फ हूँ। ग्राइंड कर कर इसके लेकर आ बाद जाऊंगी सेकेंड मैं। स्टेप बताऊँ। तो इस तरह से मैंने इस पाउडर पाउडर बना लिया है जो बिस्किट्स बिस्किट्स को। ग्राइंड अभी हो हम चुके हैं, इसमें अब हम इसे प्लेट प्लेट में में ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कर कर लेंगे लेंगे इसको। इसको और प्लेट में सारा पाउडर निकालने के बाद में बटर डालेंगे। मेल्टेड बटर है ये, मेल्टेड बटर की जगह आप घी भी ले सकते हैं, घी और या वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, आपकी चॉइस है ये, घी ऑयल बटर अभी हम जो भी इसमें आप चाहें मेल्टेड आप ले सकते हैं। बटर ये लेंगे, देखिए मैं बटर ऐड कर रही बटर हूँ, या घी भी ले सकते हैं आप लोग। 4 से 5 चम्मच बटर यूज़ हुआ मुझे। और साथ ही में हम इस तरह से मोल्ड में भी और ग्रीस कर लेंगे इसे इसे इस तरह बटर से को, पहले मैं मोल्ड को जो है ना ग्रीस कर कर रख लूँगी ताकि मोदक अच्छे शेप और शाइनी लगे। बटर से ग्रीस कर कर रख लेंगे इस तरह से दो तीन मोल्ड को। ठीक है, अब हम इसे साइड कर देंगे और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
फेस्टिवल में ये बहुत ज़्यादा बनता है, और हर जो दिखाते हैं ना वो लोग ज़्यादातर ये बनाते हैं। इस सारे को आटे के आटा गूनने के बाद में जिस तरह से बन जाता ना उस तरह से गूनना है इसको। स्पेशल स्वीट है ये, देखिए इस तरह से फेस्टिवल का आटा गूनने की तरह आटा जिस तरह से गूंधे हम उस तरह से इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है सारे बिस्किट को। इसी तरह से इसे मिक्सर पर जिस तरह आटा गूंधते हैं ना उस तरह थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, इसी तरह इकट्ठा करके सॉफ्ट डो बना ले इसका। बटर डालने का मतलब ही ये है, बटर या घी ऑप्शन है आपके पास, वो एक डालने से ही इसके इकट्ठा होने के बहुत अच्छे सॉफ्ट मोदक बनते हैं इससे। और सारे मेरे YouTube चैनल देखने वालों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हैप्पी मोल्ड में स्टफ करेंगे ना इसको इस तरह से पूरा गूंद लेने के बाद मोल्ड से फिर बाहर निकलते हैं बहुत अच्छे से निकलेगा मोदक, वरना अगर अब हम इसमें अभी ये सारा मोदक में फिल करेंगे ये सारा गया। अभी अब हम मोल्ड में फिल करेंगे इसे इस तरह से मोल्ड का एक छोटा सा इस तरह से पेड़े की तरह ले, छोटा बॉल बनाए इस तरह से कर इसमें फिल करें। इसमें और थोड़ी जाएगी फिलिंग, ये मैं रेसिपी अपने घर पर ट्राई कर टेस्ट कर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, शायद आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अभी ये स्टफिंग डालेंगे इसमें, स्टफिंग और अंदर की जो फिलिंग है ना वो देखकर भरना ध्यान से, ताकि इसके बाहर ना आए और शेप ख़राब ना हो। अभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। वाओ, देखा आपने कितना ज़बरदस्त शेप और शाइनी मोदक बनाए। आगे नवरेक बना लेंगे हम इसी तरह से। इसमें भी इसी तरह से स्टफिंग डालेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, एक और स्टफिंग भरेंगे हम। लेकिन इसके अंदर की जो फिलिंग है ना, ये जो हमने और एक व्हाइट क्रीम की जगह ये चॉकलेट वाली क्रीम निकली थी मेरे पास, तो वो यूज़ करूँगी मैं। पहले इसे मिक्स कर लूँ। इसमें भी मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी इसी तरह स्टफिंग डालेंगे हम अंदर।
अंदर इस तरह से फिंगर से आप लोग इस तरह से इसे अंदर टाइट करें। अगर आप ऐसे ही हल्का डालेंगे तो इसमें ज़्यादा शेप भी नहीं आएगा, शेप आउट हो जाएगा और अंदर क्या है स्टफिंग अच्छी होगी तो मोदक भी बहुत अच्छे से निकलेगा। अभी हम डीमोल्ड कर लेंगे इसे। वाओ, सो यमी एंड टेस्टी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे अभी। एक और बना लेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह यहाँ से वीडियो कंटिन्यू होगी। थोड़ी प्रॉब्लम से मैं वीडियोस रोज़ नहीं डाल पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर डालूँगी पूरी। और प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इसे हम इस तरह से रखें। मैं हैंड वॉश कर लेकर फिर दूसरा वाला लेती हूँ। देखिए किस तरह से इजीली निकल जा रहा। हम जब छोटे थे स्कूल जाते थे ना, तो हमारे स्कूल और हमारे रहने की बस्ती पर ना सारे हिंदू, मुस्लिम्स, तमिल्स, क्रिश्चियंस, ये सारे लोग हम एक गली में इतने सारे कल्चर रहते थे। लेकिन कभी दिन हिंदू मुस्लिम बोले जैसा फील नहीं रहा हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे भी डिश मोल्ड, ठीक है, मैं सारे चीज़ें साइड कर लूँ। तो ये रहा फाइनल लुक मेरी रेसिपी का, मोदक कैसा लगा रेसिपी, आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसे कट कर बताती हूँ अभी। तो ये देखिए जो हमने सेकेंड वन यूज़ की थी वो वाली है, ये चॉकलेट क्रीम, सॉरी, ठीक है, दिस वन वाइट,